हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। आज हम लोग बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन कहते हैं। और ये टॉपिक बेटा ऐसा है कि इसके बगैर ऑर्गेनिक अधूरी है। मतलब आपने अगर चैप्टर्स सारे कर लिए हैं और इनकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो समझ लीजिए आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे, है ना। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई करते हैं, उन्हीं रूल्स को अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन किस तरह से आपको करना है, किस किस टॉपिक को पहले लेना और उसमें कौन कौन से रिएक्शंस यूज करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो चेक करेंगे कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन में कन्वर्जन्स होते कैसे हैं, है ना। तो देखो बेटा, इसमें दो तरह के कन्वर्जन्स को हम लोग लेकर के चलेंगे इनिशियली, एलिफेटिक कन्वर्जन्स एंड एरोमेटिक कन्वर्जन्स। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, रूल्स जो होते हैं दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। तो जो रिएक्शंस एलिफेटिक कन्वर्जन में यूज करोगे, वो रिएक्शन एरोमेटिक में काफी हद तक यूज नहीं होते। कुछ एक आध रेयर रिएक्शन होती हैं जो दोनों सिमिलर देते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती यही करते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ रिएक्शन जो उन्होंने एलिफेटिक के कन्वर्जन में यूज किया है उन्हीं को अप्लाई कर देते हैं एरोमेटिक में, तो गलत हो जाता है ना। तो क्या क्या डिफरेंस है, उन्हीं डिफरेंस के साथ इसको आगे डिटेल में करेंगे। तो बेटा पहले हम लोग करेंगे एलिफेटिक कन्वर्जन, है ना, एरोमेटिक बाद में। ठीक है, अब एलिफेटिक कन्वर्जन अगर करते हो तो देखो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं तुम्हें जब कन्वर्जन देखते हो। तो काफी कन्वर्जन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नेम रिएक्शन यूज हो जाते हैं, है ना। बट कन्वर्जन देख करते समय कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है तुम्हें, है ना। किस कंपाउंड से क्या बन रहा है उसको बाद में देखना है, पहले ये देखना है कि कार्बन जिससे तुम बना रहे हो, कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा है ना। मेथ से एथ बन रहा हो, प्रॉप बन रहा हो, ठीक है, या प्रॉप से एथ बन रहा हो, मेथ बन रहा हो। सबसे पहले फोकस करना होता है कि कार्बन की चेन इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रही है, ठीक है। और क्या ग्रुप बन रहा है, ग्रुप को बाद में डिस्कस करेंगे कि हेलाइड बन रहा है या एल्कोहल बन रहा है या अमाइन बन रहा है। सबसे पहले क्या देखना है तुम्हें, सबसे पहले देखना है कि कार्बन की चेन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए कुछ रूल्स कुछ रिएक्शंस यूज करते हैं हम लोग, है ना। ये ऐसे समझ लो ये ट्रिक्स है जो जो तुम्हें पता चलेगा कि कार्बन की चेन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि रिएक्शंस देखो बेटा बहुत सारी होती हैं, तो हम कोई भी रिएक्शंस नहीं यूज कर सकते हैं। लॉजिकली जो रिएक्शन एग्जिस्ट करती होंगी उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। तो उन रूल्स को आज डिटेल में समझेंगे और फिर इस पे एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फोकस करना होता है कि कार्बन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। मतलब कार्बन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। तो आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, है ना, क्योंकि बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। तो एक एक टॉपिक को लेके चलोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं एक बात इसमें और बता दूं तुम्हें कि जब कन्वर्जन की प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शंस जो हैं उनकी तैयारी पहले कर लेना, है ना। ये वीडियो मैंने डाल दी है सारी नेम रिएक्शंस की, चैप्टर वाइज मैंने नेम रिएक्शंस की वीडियोस डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक देख लेना और डिटेल वो समझ लेना। पहले वो वीडियोस देख करके फिर कन्वर्जन प्रैक्टिस पे आना, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। नहीं तो रिएक्शंस क्या होती हैं, थोड़ी रटनी पड़ सकती है ना। रटना नहीं है रिएक्शन, क्या करना होगा, प्रैक्टिस से समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेम रिएक्शन का रिवीजन करके आना, है ना। तो चलो देखो, आज हम लोग डिटेल में पहले ये पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर को नेक्स्ट वीडियो में चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा कुछ रिएक्शंस, कॉपी पेन ले लो, कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट करोगे जो कि हम लोग यूज करते हैं कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। फिर मैं ये बताती हूँ कि ये रिएक्शन कौन से होते हैं, कैसे यूज करोगे और कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो पहले फटाफट से नोट करो, हम ये रिएक्शन यूज करने वाले हैं कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए। कौन कौन से रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी आर अल्काइल ग्रुप जो होता है ना वो एक्स्ट्रा कार्बन ऐड होता है, ठीक है। रिएक्शन विद केसीएन, केसीएन से जब रिएक्ट कराते हो ना बेटा, तो देखो ये सीएन का जो सी कार्बन है ये एक्स्ट्रा कार्बन ऐड होता है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन अगर पढ़ी हुई है तो एल्डोल कंडेंसेशन जानते हो कि दो एल्डिहाइड कंबाइन होते हैं तो कार्बन ऑब्वियसली इंक्रीज ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये नोट कर लो।
कि कार्बन के चेन को इंक्रीज करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से नोट करो, फिर एक एक डिस्कस करते हैं। तो बेटा कैसे यूज करना है, उससे पहले हम इन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लें, है ना, क्योंकि जब तुम्हें अप्लाई करना है तो पता होना चाहिए ना कि कौन से कंपाउंड ये देंगे, है ना। कहीं से भी नहीं रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन रिएक्शंस के बारे में कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले रिएक्शन लो वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होता है, ये अगर तुम्हें कहीं अप्लाई करना है तो पहली पहली बात ये समझ लो कि कार्बन की चेन जब इवन नंबर में इंक्रीज हो रही हो, है ना, 1 से 2, 2 से 4, है ना, इस तरह से ऑड नंबर में इंक्रीज हो रही होगी तो ये रिएक्शन तुम नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कार्बन को इंक्रीज करना है किस में, इवन नंबर कार्बन में होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। ठीक, अब देखो कार्बन की चेन इंक्रीज किस में हो रही है, हैलाइड में हो रही है, अल्कोहल में हो रही है, अमाइंस हो रही है, क्या बनाना है तुम्हें, है ना, वो चेक करना है। तो उससे पहले ये समझ लो कि अगर तुम कहीं पर भी हो तो इस रिएक्शन को यूज करने के लिए तुम्हें पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किस में होती है वो पहले समझना जरूरी है। तो बेटा यहाँ पर क्या लेते हो, 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड लेते हो, इसकी डिटेल वीडियो मैंने डाल दी है, वहां पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि इसको कन्वर्जन में कैसे यूज करना है। यहाँ पे बेटा 2 सिमिलर क्या लेना है आपको, 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये समझो, जब तुम कन्वर्जन कर रहे हो तो तुम्हें क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है। मतलब कि अगर तुम्हें अल्कोहल से अल्कोहल की चेन इंक्रीज हो रही हो तो तुम डायरेक्ट ये मेथड नहीं यूज कर सकते हो, पहले तुम्हें कन्वर्ट किस में करना होगा, हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हो किस से, इसको रिएक्ट कराते हो सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, 2 सिमिलर अल्काइल हैलाइड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये समझ लो कि तुम किसी को भी कन्वर्ट कर रहे हो और वुड्स रिएक्शन यूज करना है तुम्हें, तो कहीं पर भी हो तो सबसे पहले पहुंचो अल्काइल हैलाइड पे, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में ही होती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कार्बन की चेन इंक्रीज होगी, तो पहला फोकस तुम्हें यही करना है कि कार्बन की चेन को इंक्रीज कैसे करना है। पहला फोकस ये नहीं करना कि अल्कोहल से अल्कोहल बनाना है या अमाइन बनाना है या हैलाइड बनाना है, उसको बाद में देखेंगे। पहला काम क्या करना है तुम्हें, कार्बन को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इस मेथड को जब यूज करते हैं बेटा, तो देखो मैं एग्जांपल एक दे देती हूँ। 2 सिमिलर मिथाइल क्लोराइड ले लो, है ना, और यहाँ ले लो सोडियम। तो ये रिएक्शन ये हुआ करती थी, सोडियम और प्रेजेंस क्या लेना है, ड्राई ईथर। तो देखो NaCl ऐसे निकाल दोगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखो तो देखो यहाँ पे 1 कार्बन था और यहाँ कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। ठीक है, तो पहला काम तो ये करते हैं कि कार्बन की चेन को इंक्रीज करते हैं। तो इस रिएक्शन को यूज करना है तुम्हें, तो पहले तुम्हें कन्वर्ट करना होगा किसमें, हैलाइड में। अगर हैलाइड से कन्वर्जन हो रहा है फिर तो यहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, सोडियम से रिएक्ट करो, ड्राई ईथर प्रेजेंस लो, कार्बन की चेन इंक्रीज हो जाएगी, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन होते हैं वुड्स रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन कब यूज करोगे, जब कार्बन की चेन ऑड नंबर में इंक्रीज हो रही, इवन में तो वुड्स हो गई। ठीक है, ऑड नंबर में अगर इंक्रीज हो रही होगी तो तुम्हें क्या करना है, कोरी हाउस लो। कोरी हाउस से तुम ऑड इवन कैसा भी कार्बन इंक्रीज कर सकते हो, मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन और इवन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, किसी भी फॉर्म में कार्बन की चेन को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, तो पहले तो ये समझ लो कि ये भी कोरी हाउस रिएक्शन किस में होगी, क्योंकि तुम्हें जब यूज करना है तो कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचना पड़ेगा जिसमें ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा दो चीजें लोगे, एक तो लेना है तुम्हें अल्काइल हैलाइड, तो फिर से वही बात है कि अगर तुम्हें एल्कोहल का कन्वर्जन करना है तो पहले तुम्हें पहुंचना होगा कहाँ, हैलाइड पे, है ना। अमाइंस का कन्वर्जन, अमाइंस से कन्वर्जन करना है तो पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, हैलाइड, क्योंकि ये रिएक्शन किस में होती है, हैलाइड में होती है। ठीक है, और इसे रिएक्ट कराते हो किससे, डाई अल्काइल।
डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ठीक है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, और ये बन जाता है एल्केन। अब एल्केन ये जो है ऑड नंबर इवन नंबर किसी भी नंबर में इंक्रीज होगा, जितने कार्बन से तुम्हें कन्वर्ट करना है वो तो यहाँ होगा, बाकी तुम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मतलब जितने कार्बन की चेन इंक्रीज करनी है उसके अकॉर्डिंग तुम कार्बन यहाँ ले सकते हो, ठीक है। तो समझ लो एक रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड लिया है ना, इसे डाई अल्काइल, सपोज हमने डाई मिथाइल ले लिया और लिथियम क्यूपरेट ले लिया। बेटा डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट ये भी एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन की पूरी सीरीज मैंने डाल दी है, वो चेक कर लेना, इसको गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम नेम रिएक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे यूज करना है कार्बन की चेन को इंक्रीज करने में वो बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन ये और डाई अल्काइल का एक कार्बन ले लेना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन कार्बन यहाँ अल्काइल हेलाइट का हो गया और वन कार्बन डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट का हो गया है ना, तो इथेन बन गया और साइड प्रोडक्ट इसके बनते हैं। तुम्हें कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट नहीं दिखाना होता है, बट मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, जब कन्वर्जन में यूज करोगे तो वहां पे तुम्हें कोई भी साइड प्रोडक्ट मेंशन नहीं करना होता, क्योंकि वो एक चेन चल रही होती है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर अभी तो इवन नंबर में इंक्रीज हुआ है, मान लो कि तुम्हें मिथाइल क्लोराइड से प्रोपेन बनाना होता, प्रोपाइल का कोई कार्बन बनाना होता, तो तुम यहाँ पर गिलमान रिएजेंट में तुम इसको चेंज कर सकते हो, क्या ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो C2H5, टू कार्बन यहाँ ले लो है ना, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, आ रही बात समझ में, एक कार्बन यहाँ का और दो कार्बन यहाँ का ले लो, इथाइल का मतलब समझते हो ना, CH3 CH2 C2H5, ठीक है। तो ये ले लिया हमने मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल, और यहाँ से ले लिया हमने इथाइल, देखो इथाइल ऐसे लिख सकते हो ना ये, ठीक है। तो देखो मेथ से एथ भी बना दिया और मेथ से प्रॉप भी बना दिया है ना, तो यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों फॉर्म में कार्बन को तुम चेंज कर सकते हो। तो ऑड नंबर में अगर कार्बन इंक्रीज करना है तो तुम कोरी हाउस ही प्रेफर करोगे, क्योंकि वुड्स में सिर्फ इवन नंबर में कार्बन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, अब अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग कन्वर्जन में चेक करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कैसे यूज करोगे, पहले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट समझ लो, आर एम जी एक्स होता है बेटा ये, आर एम जी एक्स, और आर पे होता है नेगेटिव चार्ज और एम जी एक्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये रिएक्शन जो है जब हम कन्वर्जन में यूज करेंगे तो इसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करना, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन के जितने कार्बन होंगे उसके अलावा एक कार्बन ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें, है ना, तो कार्बन की चेन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखो इसको कैसे यूज करोगे, सपोज हमने लिया ये, देखो वन कार्बन का एल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसको जब रिएक्ट कराते हो, मान लो यहाँ हमने लिया CH3MgBr है ना, इस पे चार्ज दे दो पॉजिटिव, और ये सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, और ये क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से कार्बन ब्रेक करो, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये देखो सी नेगेटिव सी पॉजिटिव के पास आ जाएगा, यही वो कार्बन होता है जो इस कार्बन की चेन को इंक्रीज करता है, समझ में आ रहा है। ये कार्बन यहाँ आएगा तो CH3CH2 हो गया, ओ के पास क्या आता है बेटा, यहाँ पर CH3 हो गया ये वाला, और ये ले लिया CH2, ये देखो CH2, और O के पास क्या आ गया MgBr, ठीक है। और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप करते हो बेटा, वाटर देते हो इसे OH, H और OH, और हाइड्रोलिसिस जब करते हो तो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ओ नेगेटिव के पास एच पॉजिटिव को भेज दो, ये देखो क्या बन गया CH3CH2, ओ के पास क्या आ गया एच। तो देखो यहाँ था वन कार्बन, ये क्या था मिथेनल है ना, या इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हो, और ये क्या हो गया इथेनॉल, समझ रहे हो, इथेन
ऑल, तो ऑल और अल को छोड़ो साइड में, पहले ये देखो क्या मेथ था और ये क्या हो गया एथ, है ना, कार्बन की चेन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो पहले तुम्हें यही फोकस करना है। तो अब ये समझ लो कि अगर तुम्हें ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करना है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ होगी, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो तुम कहीं पर भी होगे तो तुम्हें पहले कहाँ पहुंचना है, एल्डिहाइड और कीटोन पे, तभी ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, और कहीं नहीं यूज करोगे। ठीक है, तो आ गई बात समझ में ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कैसे यूज करना है। अभी कन्वर्जन रिएक्शन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट, कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कौन से रिएक्शन यूज कर सकते हैं, रिएक्शन विथ के सी एन। के सी एन का ये जो सी एन है ना, सी एन का सी कार्बन इंक्रीज करता है। तो अब ये रिएक्शन भी कौन से कंपाउंड देते हैं, है ना, ये समझना जरूरी है। अल्काइल हेलाइट के साथ ये रिएक्ट करते हैं, समझ रहे हो, अल्काइल हेलाइट के साथ। अल्काइल हेलाइट के साथ जब केसीएन लोगे तो पहले मिलेगा तुम्हें अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। ठीक है, तो देखो मान लो ये हमने लिया CH3Cl, इसे दिया KCN, तो क्या बन गया CH3CN। तो देखो ध्यान से, ये क्लोरोमीथेन था, मेथ था, मिथाइल क्लोराइड कह सकते हो, और इसका नेम देखो 1, 2, है ना, ये क्या हो गया इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। CN को एज सफिक्स क्या बोलते हो, नाइट्राइल बोलते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एथ हो गया है, यहाँ पर ये क्या था मेथ। ठीक है, मीथेन था ये, और कौन सा मीथेन था, क्लोरो। ठीक है, तो देखो अभी ये देखना है तुम्हें मेथ से क्या बन रहा है, एथ बन रहा है ना। तो कार्बन की चेन 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन को तुम यूज कर सकते हो कार्बन की चेन इंक्रीज करने के लिए। समझ में आ गई बात, तो ये समझना जरूरी है कि ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें सीधा अल्काइल हैलाइड ही मिले, है ना, और तुम्हें सीधे कन्वर्ट करना हो साइनाइड में या अमाइन में। ठीक है, तो जहां पर भी होगे वहां से हैलाइड तक कैसे पहुंचना है वो समझना होगा, वो अभी हम लोग कन्वर्जन में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अलग अलग रिएक्शन मिलेंगी ना, तो मैं अल्कोहल के भी मिल सकती है, एल्डिहाइड की, कीटोन की, किसी की भी मिल सकती है, अमाइन पे हो सकते हो, तो वहां से तुम्हें हैलाइड तक कैसे पहुंचाना है उस प्रोसेस को अभी आगे डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ इतना देखा है कि कार्बन की चेन को अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो इनमें से कोई रिएक्शन यूज कर सकते हो। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिएक्शन हमें कहाँ यूज करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतने सारे मेथड्स हैं ना, उसमें ये कंफ्यूजन ना हो कि ये मेथड कहाँ यूज करें, वो मेथड कहाँ यूज करें। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि साइनाइड को तुम्हें यहाँ पे यूज करोगे तो ये बेटर प्रोडक्ट देगा, है ना। अगर तुम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज करते हो तो उसको कहाँ यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो ये सारी चीजें चेक करनी है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सीधी सीधी चीजें, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, तो ये बेसिक चीजें थी जब कार्बन की चेन को इंक्रीज करते हो तो जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से रिएक्शन यूज कर सकते हो। अब बेटा यहाँ पर एक दो चीजें और नोट कर लो, नोट पॉइंट में क्या करना है तुम्हें नोट, देखो। अच्छा हाँ, ये एल्डोल कंडेंसेशन भी समझ लो, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में सीधी सी रिएक्शन होगी बेटा, क्या करते हो, 2 सिमिलर एल्डिहाइड लेते हो इसमें, है ना, 2 सिमिलर एल्डिहाइड लेते हो और इसे रिएक्ट कराते हो किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH। तो देखो इन रिएक्शन में ये खास बात होती है बेटा कि तुम्हें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं देना है, कोई तुम्हें बैलेंसिंग नहीं दिखाना है, बट रिएजेंट सही पता होना चाहिए, सारे रिएजेंट तुम प्रेजेंस में दिखा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, 2 सिमिलर एल्डिहाइड लेना है, डाइल्यूट NaOH लेते हो, तो ये नेम रिएक्शन बेटा हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है चैप्टर वाइज, वो जाकर जरूर चेक कर लेना, जिससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सारी रिएक्शन तुम्हारी जानी पहचानी लगे, तभी इसको यूज
करने में इजी होगा ना। देखो ऐसा कुछ लेते थे, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल ब्रेक करते थे, दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ब्रेक होता था, ये एच इसके पास और सी कहाँ आता था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएगा। तो देखो अभी कार्बन है तुम्हारा 2 कार्बन, अभी देखो कितने कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पे सी एच है और ओ के पास आएगा एच, ये ओ के पास एच और ये सी एच था, और ये सी एच किससे जुड़ेगा, सी एच टू से, ये देखो सी एच टू और ये है सी एच ओ, है ना। तो देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ कितने कार्बन की चेन थी, 2 कार्बन, है ना, ये क्या था, इथेनल था। अब देखो एच से हो गया ये क्या, ब्यूट, ठीक है, और क्या बना आगे, अल बना, ऑल बना, ये सारी चीजें बाद में देखना है तुम्हें, पहले तुम्हें ये देखना है क्या कि एच से तुमने क्या बना दिया, ब्यूट, 2 से 4 कार्बन, ठीक है। तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन यूज करोगे। अब कुछ पॉइंट्स और नोट कर लो कन्वर्जन से पहले, कुछ पॉइंट देखो, मान लो कि तुम्हारा कहीं साइनाइड बन रहा है ना, जैसे केसीएन अगर यूज करते हो, साइनाइड बना, ठीक, तो साइनाइड जरूरी नहीं है कि तुम्हें कार्बन की चेन इंक्रीज करके साइनाइड ही बनाना हो, कुछ और भी बनाना हो सकता है। तो साइनाइड के 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन नोट करो यहाँ पर, साइनाइड के 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, SNACL ले लो जिसको स्टीफन रिडक्शन कहते हैं, और इसकी जगह क्या ले सकते हो, सोडियम C2H5OH इथाइल एल्कोहल के साथ, इसको मेंडियस रिडक्शन कहते हो, ये बेटा दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो साइनाइड को जब रिड्यूस करते हो तो ये बन जाता है अमाइन। इन सभी को अभी हम आगे यूज करने वाले हैं, तो ये बेसिक चीजें थोड़ी तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साइनाइड से तुम क्या बना सकते हो, साइनाइड को रिड्यूस करके अमाइन बना सकते हो, क्लियर। अब देखो साइनाइड को अगर तुम हाइड्रोलाइज कर दो, वाटर मॉलिक्यूल दे दो, ठीक है, तो साइनाइड बेटा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बस ये 2 कन्वर्जन साइनाइड का याद रखो, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, समझना है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ ऐसे भी। यहाँ पर बेटा 3 मॉलिक्यूल वाटर ले लो फटाफट से, 3H+ आयन, 3OH- आयन, ये देखो है ना, और ये 3H+ आयन को एक एक करके अटैक कराते जाओ N के पास, और एक एक बॉन्ड C का ब्रेक करते चले जाओ, है ना। पहला H गया, C का बॉन्ड ब्रेक हुआ, C पे पॉजिटिव चार्ज, C पे आएगा OH, दूसरा H दो N को, एक और बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक और OH आ जाएगा C पे, तीसरा बॉन्ड ब्रेक करो, तीसरा H दे करके, तीनों बॉन्ड ये ब्रेक हो करके N के साथ 3H को बाहर निकाल दो, अमोनिया बाहर निकाल दो, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे आएगा बेटा 3OH, है ना, और एक कार्बन पे 3OH कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। होता ये है कि एक OH इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है ये ऑक्सीजन से मांगता है, ऑक्सीजन के पास कम होता है तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये H+ आयन और ये OH वाटर निकल के देखो क्या बन गया, ठीक है। तो तुम्हें मैकेनिज्म नहीं करनी है, बट अगर कभी कंफ्यूजन होता है कि ऐसा कैसे, साइनाइड हट करके एसिड कैसे बन गया, तो प्रोसेस ये होता है, ठीक है। तो वो डिटेल नहीं बताना है तुम्हें, सिर्फ प्रेजेंस में देना है वाटर और सीधे कन्वर्ट कर देना है एसिड में। तो साइनाइड के ये 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन याद रखो, ये बहुत सारे कन्वर्जन में तुम्हें हेल्प करेगा, है ना। चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो जल्दी से, ये सारे पॉइंट बेटा नोट करते जाना, बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ऑर्गेनिक इतनी इजी हो जाएगी ना कि सोच नहीं पाओगे कि अच्छा इतने अच्छे से ऑर्गेनिक कर सकते थे हम, कन्वर्जन अपने आप खुद से बैठ के सॉल्व करोगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलो। देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, ये जो अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, इसको बोलते हो क्या, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन को बेटा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ। ये सारे अभी कन्वर्जन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे तो कन्वर्जन तुम्हारा इजी हो जाएगा। तो देखो जब भी प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है बेटा एल्कोहल, क्योंकि देखो तुम्हें कुछ भी कन्वर्जन में मिल सकता है ना, हेलाइड में कन्वर्जन मिल सकता है, हो सकता है अमाइन बन रहा हो
बट तुम्हें चाहिए हो एल्कोहल, है ना, तो अमाइन से एल्कोहल में कैसे जाओगे, तो रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। तो प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट कराते हो किससे, नाइट्रस एसिड से, तो क्या बनता है एल्कोहल। ठीक है, देखना अभी काम आएगी ये सारी रिएक्शन, मजा आएगा फिर रिएक्शन बनाने में। और बेटा देखो क्या करना था, प्राइमरी अमाइन से हो गया एल्कोहल, अब एल्कोहल से अगर तुम्हें हैलाइड पे जाना हो, है ना, क्योंकि देखो ज्यादातर रिएक्शन तुम्हें क्या मिल रही है, जब तुम वुड्स यूज करते हो तो तुम्हें क्या चाहिए, हैलाइड चाहिए। कोरी हाउस यूज कर रहे हो तो भी तुम्हें हैलाइड चाहिए, है ना, केसीएन के साथ रिएक्ट कराते हो तो भी तुम्हें हैलाइड चाहिए। तो ज्यादातर रिएक्शन में तुम्हें हैलाइड बनाना पड़ता है, ठीक है, तो वो कहीं से भी हो सकता है बनाना पड़े। तो मान लो तुम्हें एल्कोहल से बनाना हो, एल्कोहल से अगर तुम्हें कन्वर्ट करना हो हैलाइड में, तो बेटा तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट करो, रिएक्शन विथ PX3 ले सकते हो, PX3 में क्या ले सकते हो, PCl3, PBr3 या PI3, ठीक है, PF3 नहीं लेना। और क्या ले सकते हो, रिएक्शन विथ PCl5। अब बेटा PCl5 जो है ना, PX5 नहीं लिखा, क्योंकि PCl5 ही एग्जिस्ट करता है, PBr5 PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है ना। और तुम रिएक्ट करा सकते हो रिएक्शन विथ SOCl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हो इसे, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। एक और रिएक्शन यूज कर सकते हो एल्कोहल को, तुम रिएक्ट करा दो किससे, SClZnCl2 के प्रेजेंस में। याद करो बेटा ये कॉन्सेंट्रेटेड लेते थे, है ना, और ये एनहाइड्रस लेते हो, और कितना 1:1 रेशियो लेते हो, तो इसको ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं, जो हम लोगों ने डिस्टिंग्विश टेस्ट की सीरीज बनाई है ना उसमें चेक कर सकते हो। डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है ऑर्गेनिक का, उसमें ये रिएक्शन है, तो वहां से चेक कर सकते हो। बट अभी हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये एक मेथड है जिसमें तुम हेलाइड से एल्कोहल, एल्कोहल से हेलाइड में कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट कर लो जो तुम्हें हेल्प करेंगे किसमें, कन्वर्जन में, ठीक है। चलो चलते हैं अब आगे, जैसे जैसे बीच बीच में रिएक्शन मिलती जाएंगी वैसे वैसे कुछ नए रिएक्शन अगर मिलते हैं तो वो मैं वहां बताते जाऊंगी। तो बेटा आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कार्बन की चेन को इंक्रीज कैसे करना है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, ऑर्गेनिक कन्वर्जन है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने एक पॉइंट जो बताया वो बिल्कुल ध्यान रखना, कि फोकस रखना कार्बन की चेन को देखने में, है ना, कि ये पहली चीज तुम्हें सिर्फ इतनी देखनी है, मिथ, और ये क्या है, मिथ, आगे पीछे अभी कुछ नहीं देखना है। पहले क्या देखना है, मिथ से एथ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है। तो फिर चेक करो कि जब कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है तो वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हो, कोरी हाउस यूज कर सकते हो, केसीएन यूज कर सकते हो, है ना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हो, बट बेटर कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं पीछे आती हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट तुम्हें और दे दूँ कि देखो कहाँ थे हम लोग, वुड्स रिएक्शन पे अगर आते हैं, ये देखो यहाँ पे ये रिएक्शन बेटा हेलाइड के लिए यूज कर सकते हो, एल्कोहल से एल्कोहल में कन्वर्जन हो रहा हो तो उसमें यूज कर सकते हो, है ना, अमाइन में भी यूज कर सकते हो, बट ज्यादा बेटर तुम्हारा हेलाइड और एल्कोहल के कन्वर्जन में होगा। कोरी हाउस भी तुम सेम यूज कर सकते हो हेलाइड के लिए, है ना, एल्कोहल के लिए, ठीक। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेटा एल्डिहाइड कीटोन के लिए ज्यादातर यूज करते हो, एल्डिहाइड कीटोन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और केसीएन, केसीएन बेटा एल्कोहल के लिए यूज करो, हेलाइड में यूज करो, हेलाइड के कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा इसको यूज करते हो तुम किस में, अमाइन के कन्वर्जन में, अमाइन और एल्कोहल में सबसे ज्यादा ये यूज होगा, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में ही यूज करो, वही ज्यादा बेटर है, एल्डिहाइड कीटोन
टोन के लिए ही यूज करो। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन से रिएक्शन कहाँ पे यूज करें। ठीक, तो प्रेफरेंस इसको दोगे वुड्स को, हेलाइड एल्कोहल में करो, अमाइन कम प्रायोरिटी, बट नहीं याद आ रही रिएक्शन तो तुम दे सकते हो। ठीक है, इसके लिए हेलाइड एल्कोहल ले लो, इसमें एल्डिहाइड कीटोन, इसमें केसियन की रिएक्शन जो है अमाइन में ज्यादा यूज करते हो और एल्कोहल में। ठीक है, तो चलो आते हैं अब कन्वर्जन पे। तो चलो देखो, पहले फोकस करना है तुम्हें मेथ और एथ पे। कार्बन की चेन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हमें क्लोराइड, अब कार्बन की चेन इंक्रीज करनी थी तो वुड्स रिएक्शन कोरी हाउस ले सकते थे, बट वुड्स रिएक्शन ले लो जब इवन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि वुड्स रिएक्शन यूज होता है हैलाइड में और यहाँ पर हमारे पास हैलाइड ही है। ठीक, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तुम्हें, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, देखो यहाँ लिया हमने मिथाइल क्लोराइड, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझो बेटा, यहाँ पर कोई भी चीज तुम्हें प्लस में नहीं देनी है और कहीं कोई बैलेंसिंग नहीं दिखाना है तुम्हें। सोडियम लिखो, ड्राई इथर लिखो, बस तुम्हें कन्वर्ट कर देना है किसमें, इथेन में। मान लो कि तुम्हें रिएक्शन नहीं याद है, समझ में नहीं आ रही है, तो तुम रफ वर्क कर लो। रफ वर्क कैसे करोगे, देखो फटाफट से दो एल्काइल हैलाइड ले लेना, बीच में सोडियम ले लेना, ये देखो जल्दी जल्दी से ये नोट करके ये यहाँ से निकाल दिया, दिख जाएगा तुम्हें वन कार्बन इथेन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, और यहाँ बेटा देखो कोई बैलेंसिंग नहीं दिखानी है ना। स्टार्टिंग में तुम ये फर्स्ट जहाँ पे रिएजेंट है वहां पे तुम नंबर्स दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाते हो तो भी कोई बात नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि यहाँ टू मोल्स लेना होगा, ड्राई इथर है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं बता दूँ, जहाँ पर भी तुम नेम रिएक्शन यूज कर रहे हो कोई, तो यहाँ मेंशन कर दोगे तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे को पता है कुछ। ठीक है, अब देखो एक काम तो हमारा हो गया, क्या मेथ से एथ बना लिया, अब क्या करना है हमें, इसको क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल यही तरीका यूज करना, जहां तुमने सोच लिया मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम, सोचने लगोगे क्लोराइड कैसे बना है, क्लोराइड तुम्हारा फोकस बिगड़ जाएगा, तुम ये नहीं सोच पाओगे कि पहले तो कार्बन की चेन को बढ़ाओ है ना, फिर देखेंगे क्लोराइड कैसे बनाएगा। तो तुम सीधा क्लोराइड नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसको स्टेप वाइज करना कि पहला काम कार्बन बढ़ाओ, ठीक है, दूसरा काम फिर चेक करो कि किसमें कन्वर्जन करना था। तो देखो बेटा अब क्लोराइड में कन्वर्जन के लिए क्या करोगे, क्लोरीनेशन करा दो सनलाइट के प्रेजेंस में, है कि नहीं, बचपन से रिएक्शन पढ़ते आते हो, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ से एक एच हटेगा और सीएल आ जाएगा, देखो कितनी आसानी से बन गई रिएक्शन, देख रहे हो बन गया मिथाइल क्लोराइड टू इथाइल क्लोराइड, समझ में आ गई रिएक्शन। पहला काम कार्बन की चेन को इंक्रीज करो, फिर देखो किसमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अब साथ में प्रैक्टिस करते चलो, और समझ में आए तो पहले खुद से बना लेना। मिथेनॉल टू इथेनॉल, अब यहां देखो ऑल है बेटा ऑल, है ना, छोड़ दो इसको, पहले देखो मेथ टू एथ, कार्बन की चेन इंक्रीज हो रही है। आज तुम वही टॉपिक बना रहे हैं इस वीडियो में, असेंडिंग ऑर्डर तुम्हें पता है कि कार्बन की चेन बढ़ी रही होगी, बट तुम्हें जब कन्वर्जन मिलेगा तो मिक्स करके मिलेगा ना, तो तुम्हें वहां पे ये चेक करना होगा। तो मेथ टू एथ बनाना है तो दिमाग में कौन से रिएक्शन आ सकती है तुम्हारे, वुड्स रिएक्शन आ सकती है, कोरी हाउस आ सकती है, कोरी हाउस को साइड में रखो, उसको जब इवन नंबर में हो तभी यूज करो, अदरवाइज तुम वुड्स रिएक्शन यूज करो, है ना, और केसीएन भी यूज कर सकते हो, एल्कोहल है तो केसीएन भी यूज कर सकते हो। बट अब देखो, अब अगर तुम यूज करते हो वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो भी तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, हैलाइड, और अभी हम कहाँ पर हैं, एल्कोहल पे हैं, तो एल्कोहल तो वुड्स नहीं देगी ना, और अगर तुम केसीएन यूज करना चाहते हो तो केसीएन के लिए भी क्या बनाना होगा तुम्हें, हैलाइड ही बनाना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें पहले हैलाइड बनाना है, तो पहले हैलाइड बना लेते हैं। तो देखो अभी हमने कन्वर्जन बताया कि अगर एल्कोहल से तुम्हें हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रिएक्शन ले सकते हो, PCl3, PCl5, SOCl2, HClZnCl2, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी ले लो। ठीक है, बट मालूम तुम्हें सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रोड मैप रिएक्शन, उसमें तुम्हारे हाथ में नहीं होता है कि तुम क्या प्रेजेंस लेते हो, तुम्हें प्रेजेंस
दिया होता है तो उस प्रेजेंस को देख के तुम्हें प्रोडक्ट पहचानना होता है कि क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मालूम होना चाहिए कि जो ऑप्शन तुम तैयार करोगे जरूरी नहीं वो मिले, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन में तुम्हारे हाथ में, तुम कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया PCl5, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ था तुम्हारा एल्कोहल, यहाँ एल्कोहल है ना, एल्कोहल से कन्वर्ट करना है PCl5। तो PCl5 का फंक्शन बेटा सिर्फ इतना ही याद रखो अभी कि OH हटेगा और क्या आ जाएगा, Cl, ठीक। तो अब वुड्स के लिए या KCN के लिए, मैं दोनों मेथड से बता दूंगी, वुड्स के लिए और KCN के लिए जो रिएजेंट चाहिए वहां तक पहुंच गए हैं, ठीक। तो अब यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन। तो क्या लेना होगा, सोडियम ले लो, ड्राई ईथर ले लो, बस कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया कि बैलेंसिंग नहीं करना है, तुम्हें प्लस करके कुछ भी नहीं दिखाना है, तुम्हें टू मॉलिक्यूल्स भी लेने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होगा। तुम रफ वर्क कर सकते हो खुद को चेक करने के लिए कि तुम्हें रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बट यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना है कि यहाँ लिख दिया टू मॉलिक्यूल्स, नहीं करना है, कन्वर्जन में नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वन कार्बन है, इसको कर दोगे टू कार्बन, ठीक है। तो देखो बेटा, एक काम तो हो गया हमारा, मेथ से एथ बन गया, ठीक है। अब आते हैं, चेक करते हैं ऑल कैसे बनाओगे, ठीक है। तो एल्केन का बेटा इजिली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, हो जाता है, बट प्रेफर करो इसका क्लोरीनेशन कराओ, Cl2 और सनलाइट दे दो। तो ये बना दो पहले तुम क्लोरो, क्या बना दो, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। अब क्लोरो को तुम कन्वर्ट कर सकते हो एल्कोहल में। देखो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे, Cl को दोगे KOH, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, कौन सा KOH देना है, एक्वस, है ना, मेंशन जरूर करना, क्योंकि एल्कोहलिक अगर लोगे ना तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है, सी एल हटा के ओ एच लाना है, तो के ओ एच कैसा लेना होगा, एक्वस ले लेना, और ये हो जाएगा CH3CH2OH, बन गया इथेनॉल, ठीक है। तो एक मेथड तो ये यूज किया हमने, कौन से रिएक्शन यूज करके, वुड्स रिएक्शन। अब देखो दूसरा मेथड, केसीएन, केसीएन वाला अगर तुम्हें यूज करना है, और तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर CH3OH। तो पहला काम तो तुम्हें यही करना होगा कि तुम्हें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट कर सकती थी, बट मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग भी साथ साथ नोट करते चलो, और जितनी बार तुम्हें कन्वर्जन मिले बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब ये बार बार रिपीट करते हो ना तो याद हो जाती है रिएक्शन। अब केसीएन को यूज करना है तो केसीएन ले लो, है ना, केसीएन लिया, सीएल हटा करके Cl को भेज दो के पास, और यहाँ देखो बेटा क्या करना है तुम्हें, ये हो गया CH3CN, साइनाइड बन गया। अब साइनाइड से एल्कोहल तो नहीं बनता है ना, अमाइन से बन सकता है। अभी हमने कन्वर्जन बताया था पीछे कि इसको तुम पहले करो अमाइन में चेंज, क्या कर सकते हो, SnHCl ले लो यहाँ पे, ठीक है, और इसको रिड्यूस कर दो, ये हो गया CH2 और ये हो गया NH2, ठीक है। और देखो एक बहुत बढ़िया रिएक्शन अभी बताई थी, इसको किसके साथ रिएक्ट कराओ, HNO2 के साथ, प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमाइन नाइट्रस एसिड, क्या बना देगा, एल्कोहल, देखो बन जाएगा एल्कोहल, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स तो यूज कर सकते हो तुम। अब मैं तीसरा मेथड भी बता रही हूँ, इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी यूज कर सकते हो तुम, ये नोट करो, फिर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बता रही हूँ, हो गया। चलो देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे यूज कर सकते थे तुम, ये देखो मिथेनॉल पे हो CH3OH, मिथेनॉल को पहले तुम ऑक्सीडाइज कर लो, Cu300 दे देना, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क करेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, Cu300 याद रखो, Cu300 डिग्री सेल्सियस, प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। तो ये फर्स्ट कार्बन, वन कार्बन का एल्डिहाइड बना दोगे, क्या बन जाएगा वन कार्बन का एल्डिहाइड, ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब तुम्हें अभी ये मेथ है, मेथ को तुम्हें एथ में कन्वर्ट करना है, तो एक कार्बन यहाँ ले लो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, CH3MgBr, वन स्टेप एंड टू, ठीक है। तो देखो बेटा टू स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती थी, फर्स्ट में ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते थे, सेकेंड में क्या करते थे, वाटर से रिएक्शन होती थी। तो बस इसमें दो ही चीज होनी है, क्या होना है,
ये जो ग्रिगनार्ड रीजन का सी होगा उस सी को दे देना, और वाटर का जो एच होगा ओ को दे देना, बस बात खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया सी एच थ्री, किसके पास आ गया, इस सी के पास, सी एच टू है ये, और ओ के पास क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, बन गया इथेनॉल। ठीक है, तो बेटा एक चीज और होती है, वो भी समझ लो, वहां पे एग्जाम में अगर तुमसे पूछते हैं कि नॉट मोर देन, बताते कभी कभी मेंशन करते हैं नॉट मोर देन 3 स्टेप्स या नॉट मोर देन 4 स्टेप्स, ठीक है, तो कोशिश करना कि कम स्टेप्स वाली रिएक्शन जो होंगी उसको प्रेफर करो, तो ये रिएक्शन जो है वो जल्दी बन रहा है, प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है, तो ये प्रेफर कर सकते हो। मान लो तुम्हें नहीं याद आ रही है तो छोड़ के नहीं आना है, बाकी जो प्रोसेस है वो सारे लीगल प्रोसेस है, उनसे तुम बना सकते हो, मतलब छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चलो, तो 3 मेथड से मैंने मिथेनॉल से इथेनॉल में कन्वर्जन बता दिया। अब चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, इथेनॉल टू प्रोपेनल। अब देखो, एथ से प्रॉप बनाना है। ठीक है, तो अब इसको समझो ध्यान से, प्रॉप बनाना है तो ऑड नंबर में कार्बन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑड नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो तुम कोरी हाउस यूज कर सकते हो, बट वो भी अल्कोहल में नहीं, हेलाइड में होगा, तो हेलाइड में तो खैर चेंज करना ही है। दो और तीन प्रोपेनल है, प्रोपेनल अल मतलब एल्डिहाइड है। ठीक है, तो 2 कार्बन से 3 कार्बन, मैं 2 मेथड बताने जा रही हूँ यहाँ पर, केसीएन से भी मुझे लगता है बन जाएगा इजिली, और केसीएन से ज्यादा सही बनेगा। तो यहाँ पर पहले तो कन्वर्ट कर लो तुम इथेनॉल को CH3, CH2, OH को कन्वर्ट करो पहले तुम Cl में, है ना, मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ SOCl2। ठीक है, रिएजेंट चेंज कर करके यूज करते रहो, CH3, CH2, और ये हो गया Cl। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ कोरी हाउस यूज करते हो तो तुम्हें मिलेगा CH3 2, CuLi, ये लिया तो 1 CH3 प्रोपेन बनेगा यहाँ पे पहले तो प्रोपेन, ये थोड़ा लंबा मेथड जाएगा बट समझ लो। ठीक है, प्रोपेन बना। अब प्रोपेन का तुम क्या करोगे, क्लोरीनेशन करोगे सनलाइट के प्रेजेंस में। तो बेटा पूरी मैकेनिज्म समझोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि क्लोरो जो है वो प्राइमरी पे नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, सेकेंडरी पे जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर ये होता है, पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाता है वो, तो सेकेंडरी से अगर एच हटाते तो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, तो पहले यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आता है तो तुम Cl हटा के OH अगर लाओगे तो वो इसी कार्बन पे मिलेगा तुम्हें, और हमें कहाँ पर चाहिए, फर्स्ट कार्बन पे अल चाहिए। अल कैसे मिलेगा, ऑल को तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे, तो पहले तुम इसे फर्स्ट कार्बन पे कर लें। तो देखो क्या कर सकते हो, यहाँ देखो KCN ले, KOH लेना, और अब यहाँ पर अल्कोहलिक या अल्कलाइन लेना। बेटा देखो ध्यान से समझो, अल्कोहलिक या अल्कलाइन लेना, अगर तुम एक्वस लेते हो तो Cl हट करके OH आएगा, जो कि सेकेंड कार्बन पे आएगा, और सेकेंड कार्बन पे हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें फंक्शन ग्रुप कहाँ चाहिए, फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो अल्कोहलिक जब लेते हो तो बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, क्या देगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ से H हटा लो, और इधर या इधर किसी भी कार्बन से, यहाँ से Cl हटा करके किसी एक कार्बन से H हटा लो, है ना, यहाँ से Cl हटाया और इस कार्बन से H हटा दिया, बन गया एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करो, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस कर लो, वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, और देखो वाटर के साथ ना रिएक्ट कराओ क्योंकि फिर से तुम्हारा मार्कोनिकोफ रूल लेगा। यहाँ पे ये रिएजेंट लो, BH3 THF, ये भी हाइड्रोलिसिस होता है, और ये हाइड्रोलिसिस जो होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल से होता है, यहाँ लोगे H2O2। ठीक है, तो देखो हाइड्रोलिसिस 3 तरीके से होते हैं, अगर तुम वाटर लेते हो एसिड के प्रेजेंस में तो मार्कोनिकोफ एडिशन होगा, देखो यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ ओ एच आ जाएगा, तो फिर से हमें सेकेंडरी पे मिल जाएगा, हमें सेकेंडरी नहीं चाहिए, प्राइमरी पे चाहिए, तो यहाँ पर क्या लोगे, BH3 THF लोगे, ये भी इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल से मतलब एंटी मार्कोनिकोफ टाइप प्रोडक्ट देता है। OH तुम्हें प्राइमरी कार्बन पे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर OH कहाँ मिलने वाला है, H यहाँ देना, और OH कहाँ दे देना, प्राइमरी कार्बन पे, बस। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अल बनाना है इसे,
अभी हमारा ऑल बना है, अल बनाने के लिए क्या करना है तुम्हें, Cu300। बस एल्कोहल से जब भी एल्डिहाइड कीटोन बनाना हो Cu300 ले लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा लंबा मेथड है, अब इससे थोड़ा छोटा मेथड देखते हैं, बट इस प्रोसेस से भी ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो दूसरा मेथड देखते हैं इसका, KCN को यूज करके देखते हैं, KCN को यूज करते हैं, CH3 CH2 OH। पहले तो इसे चेंज कर लो, SOCl2 एल्कोहल बना लो, ये हो गया CH3 CH2, एल्कोहल से हेलाइड बना लो, हेलाइड बन गया। अब इसे दे दो तुम KCN, KCN दोगे Cl हटेगा और CN आ जाएगा, है ना। ठीक है, देखो CH3 CH2 और OH की जगह क्या आ गया, CN, और CN को क्या कर दो, SNHCl दे दो या मेंडेस रिडक्शन दे दो, SNHCl। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो CH3 CH2, और साइनाइड जो है वो बन गया अमाइन, साइनाइड जो है वो बन गया क्या, अमाइन। और अमाइन का कन्वर्जन बताया ही इम्पोर्टेंट, HNO2 दे दो प्राइमरी अमाइन को, तो ये सीधा एल्कोहल बना देगा, CH3 CH2 CH2 OH हो गया। अब OH से तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है, तो बस ये रिएक्शन याद रखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट करता है किसमें, एल्डिहाइड में, ये बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं जिससे तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसको, लोअर एल्कोहल टू हायर एल्कोहल में। ठीक है, केसीएन भी यूज कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें कीटोन बनेगा, अभी आगे रिएक्शन आएगी तो वो बताती हूँ। कोरी हाउस यूज कर सकते थे कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब देखो मेथेनॉल टू इथेनॉल बन जाएगा, वैसे ही है, एक ही कार्बन इंक्रीज करना है, केसिन वाली रिएक्शन ले लो, CH3 OH। अब सबसे पहला काम क्या करो, इसे तुम चेंज करो किसमें, हेलाइड में, CH3 और Cl हो गया। अब इसे तुम क्या दे दो, KCN दे दो, समझ में आ रही रिएक्शन ना, Cl हट के क्या आ जाएगा, CN। और CN को कोशिश करो ऐसे ब्रेक करके लिखो, और CN को फिर क्या करो, रिड्यूस कर दो किसके प्रेजेंस में, SNHCl दे दो, और इसकी जगह तुम और क्या दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, ठीक है, C2H5OH। ठीक, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में, ये देखो अमाइन बन गया, और अमाइन से तुम्हें पता है कन्वर्ट कर लोगे किस में, एल्कोहल में, तो इसको दे दोगे नाइट्रस एसिड HNO2, प्राइमरी अमाइन एंड HNO2, क्या बनेगा, बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल से तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराओ दो तुम किसके प्रेजेंस में, Cu300। इतनी बार रिएक्शन आएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी सारी रिएक्शंस। ये देखो इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देना, और क्योंकि ये प्राइमरी एल्कोहल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो देखो मिथेनॉल था और ये बन गया इथेनल। ठीक है, मेथ से एथ। वुड्स रिएक्शन भी यूज कर सकते हो, अब देखो इसमें वुड्स रिएक्शन ज्यादा लंबा नहीं जाएगा क्योंकि देखो तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर, ये देखो, और ट्राई करो खुद से कुछ मेथड्स यूज करने के लिए, एल्कोहल पे हो, हेलाइड पे नहीं हो, कहाँ हो, एल्कोहल पे, CH3OH, CH3OH को चेंज करो, PCl3 ले लिया अभी हमने, यहाँ पे सारे मेथड एक एक करके यूज करते रहो, ये हो गया हेलाइड, और हेलाइड को तुम किससे रिएक्ट करा दो, सोडियम ट्राई ईथर, अभी मैं वुड्स रिएक्शन यूज कर रही हूँ, ट्राई ईथर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, इथेन बनेगा, देखो इथेन इथेन बनेगा। अब इथेन से डायरेक्ट एल्कोहल नहीं बनाओ, इसका क्या करो, क्लोरीनेशन कर दो, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरो इथेन बना लो, पहले बना लिया, अब क्लोरो इथेन को KOH दे दो, कैसा, एक्वस देना इस बार, क्यों, क्योंकि Cl हटा के OH लाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो
तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, CH2 और OH, और इसको अब क्या कर दो, Cu300 दे दो, ऑक्सीडाइज कर लो ना, प्राइमरी अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज किया, क्या बन गया ये CH3 CHO इथेनल, समझ रहे हो? तो वुड्स रिएक्शन यूज करके भी ये बना सकते हो, ठीक है? तो ये दो मेथड हैं तुम्हारे पास, है ना? ये जो प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी कन्वर्जन की, इसकी प्रैक्टिस अगर तुम कर लेते हो तो रोड मैप, एक क्वेश्चन आता है रोड मैप, जिसमें रिएक्ट एक रिएजेंट दिया है, प्रेजेंस दिया है, तुम्हें बनाना है ए, फिर प्रेजेंस देते हैं फिर बी, है ना? इसको रोड मैप टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो वो रिएक्शन इजी हो जाती है क्योंकि तुम्हें प्रेजेंस में यही सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है? इसीलिए सीक्वेंस में पहले, सबसे पहले तो नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे, फिर कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे, फिर रोड मैप की प्रैक्टिस करोगे, डिस्टिंग्विश टेस्ट करोगे, इसके बाद पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो और इजी हो जाते हैं जब ये सारी प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हारी। चलो नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेनोन, इथेनॉल टू प्रोपेनोन, एथ से प्रोप बनाना है और ओन, है ना? ओन को बाद में देखेंगे, बट अगर रिएक्शंस कुछ समझ में आ जाती हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। इथेनॉल टू प्रोपेनोन, तो देखो केसीएन वाली रिएक्शन अगर तुम यूज करते हो तो प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और ओन लाना है हमें किस पे, सेकेंडरी पे, ठीक है? तो तुम ऐसा करो कि एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन यूज करो, ऑल पे हो सीधे तुम इसे कन्वर्ट कर लो अल में, देखो शायद बन जाना चाहिए CH2OH, है ना? प्राइमरी अल्कोहल है, इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो, क्यों? क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर कन्वर्जन है तो प्रेफर करो कौन सा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। इसको क्या देना है अब तुम्हें, Cu300 दे दो, अब तक तो याद हो गई होगी ये रिएक्शन, ये प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, तो देखो CH3 CHO हो गया एल्डिहाइड, अब तुम इसे दे दो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखो, CH3MgBr, फर्स्ट स्टेप लिया और सेकेंड वाटर, बस तुम्हें क्या करना है कि ये जो एल्काइल है ये वाला, इसको दे दो कार्बन को, और इसका एच जो होगा वो ओ को दे दो, तो देखो क्या बन रहा है, ये है CH3, ये है CH, और इस सी को ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मिथाइल ग्रुप दिया और इस ओ को एच दे दिया, बस अब कुछ नहीं करना है, Cu300 फिर से दे दो इसको, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटोन में, तो बेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन के लिए तुम ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करो, ठीक है? बन तो जाएगा ये केसीएन से भी, वुड्स रिएक्शन से भी, वुड्स से नहीं कोरी हाउस से बनेगा, कोरी हाउस से ट्राई करते हैं इसको, ये देखो कोरी हाउस से ट्राई करते हो तो OH को सबसे पहले कन्वर्ट करो किसमें, PCl3 दे करके हेलाइड में कन्वर्ट करो, क्योंकि कोरी हाउस के लिए क्या चाहिए होगा, इथेनॉल है ये, मिथेनॉल नहीं है, इथेनॉल, इथेनॉल को पहले तुम बना लो हेलाइड PCl5 दे करके, तो ये हो गया CH3CH2Cl, और इसे दे दो कोरी हाउस, अब देखो दो कार्बन तो पहले से ही है, एक कार्बन बस तुम्हें बढ़ाना है, तो एक कार्बन का कोरी हाउस गिलमान रिएजेंट लेना, मतलब डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट, ठीक है? तो बस एक मिथाइल ग्रुप यहाँ दे दो, बना दो प्रोपेन, देखो प्रोपेन बना दिया, अब प्रोपेन से अल्कोहल तो नहीं बनेगा ना, कीटोन बनेगा, इसका क्लोरीनेशन करो, और अभी हमने बताया कि फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन का ऑर्डर क्या होता है बेटा, सेकेंडरी पे आकर के सीएल लगेगा, ठीक है? अब सेकेंडरी पे सीएल लग गया, इसको हटा के OH लगा दो, कैसे लगाओगे OH, यहाँ पर KOH दे दो, KOH की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी हमने बताई, KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक, KOH एक्वस लेते हो तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, सीएल हटके OH आएगा, अगर एल्कोहलिक लेते हो तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने दे दिया CH3 CH और CH3 और ये हो गया OH, अब देखो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है, अब तुम सीधा इसको क्या दे दो, Cu300 दे दो, बस प्रोपेनोन हो गया, ठीक है? कीटोन यहाँ से ये बन जाएगा, तो दो मेथड यूज किया, यहाँ पे केसीएन वाली रिएक्शन और यहाँ पे कोरी हाउस।
है ना, सारे मेथड्स याद रखो कि किसी भी मेथड से बना सको वहां तक, मतलब छोड़ो नहीं रिएक्शन। कभी कभी एक रिएक्शन क्लिक नहीं करती है तो दूसरी रिएक्शन, मतलब प्रोसेस ऐसा होगा, हो सकता है कि थोड़ा किसी प्रोसेस में थोड़ा जल्दी बन जाए, कम स्टेप्स में रिएक्शन हो जाए, किसी में थोड़े लंबे प्रोसेस हो, बट तरीका सही होना चाहिए, गलत रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो मेथड इसलिए याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस करते चलो साथ में। नेक्स्ट कन्वर्जन, इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, तो एच से प्रॉप बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑल है और प्रॉप है, ओइक में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर तुम प्राइमरी एल्कोहल लेते हो, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें समझो, प्राइमरी एल्कोहल लेते हो और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो, Cu300, इसको बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है किसमें, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में, ठीक है। और प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तुम और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कौन सा, KMnO4 ले लो या K2Cr2O7 ले लो, तो बेटा ये एसिड बना देगा। ठीक है, तो अभी अभी क्या बनाना है, एसिड बनाना है, ओइक एसिड बनाना है, ठीक है। तो अगर हम एल्कोहल बना ले, एल्कोहल से एल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, तो एल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, ठीक है। तो ट्राई करते हैं एल्कोहल में ही कन्वर्ट करने के लिए। तो बेटा देखो इसमें अभी हमने क्या कहा, KCN वाली रिएक्शन यूज करोगे तो सीधे तुम्हें प्राइमरी पे OH मिल जाएगा, है ना, वो कर सकते हो। अगर तुम यूज करते हो वुड्स रिएक्शन या कोरी हाउस वुड्स, तो नहीं यूज कर सकते हो, प्रॉप है, कोरी हाउस यूज करते हो तो थोड़ा लंबा मेथड जाएगा, क्योंकि तुम जब क्लोरीनेशन करोगे तो वो प्राइमरी पे नहीं आएगा, है ना, वो कहाँ आएगा, सेकेंडरी पे आएगा, फिर तुम्हें एलिमिनेशन करके फिर प्राइमरी पे OH लाना होगा। तो बेटर है तुम KCN यूज करो। देखो क्या करो तुम, CH3 CH2 OH है, या हम यूज करने जा रहे हैं KCN मेथड। तो KCN के लिए भी पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, हेलाइड में, तो पहले हेलाइड में कन्वर्ट कर लो, PCl3 PCl5 SOCl2, है ना, जो मेथड्स बताए उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। इसको पहले बना लिया हेलाइड, समझ रहे हो, हेलाइड बना लिया। अब हेलाइड को क्या करना है तुम्हें, हेलाइड को तुम्हें देना है क्या, KCN, है ना, KCN वाला मेथड यूज करने जा रहे हो। तो Cl हटा के CN लगा दो, ये देखो CH3। अच्छा देखो ये और इजी मेथड हो गया, अभी एक कन्वर्जन बताया था हमने CN, समझ रहे हो, एल्कोहल तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइनाइड को तुम सीधे क्या करो, हाइड्रोलाइज करा दो। अभी अभी एक कन्वर्जन बताया था कि साइनाइड को जब वाटर दोगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एसिड में। लो और तुम्हारा स्टेप छोटा हो गया, ये देखो बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो KCN वाली रिएक्शन बेस्ट है। तो जब साइनाइड से डायरेक्ट तुम्हें एसिड मिल जा रहा है, तो एल्कोहल वाया एल्कोहल जाने की जरूरत नहीं है। मान लो भूल गए ये रिएक्शन कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना है, वैसे तो भूलना मत, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, तो तुम वो कर सकते हो कि इसको तुम साइनाइड को रिड्यूस करके एल्कोहल बना लो, और एल्कोहल को फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे करके एसिड बना लो। देखो मान लो ये एल्कोहल होता, साइनाइड से तुमने एल्कोहल बना लिया किसी तरह, ये देखो ये तुमने इसको एल्कोहल बना दिया, फिर इसको तुम KMnO4 दे करके इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकते थे, किसमें, एसिड में। ये भी मेथड है, बट जब तुम्हें इजिली KCN से मिल जा रहा है, साइनाइड से मिल जा रहा है, तो इस लंबे मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेप और बढ़ेगा, इसको पहले रिड्यूस करोगे, फिर HNO2 से रिएक्ट कराओगे, फिर ये कराओगे, है ना। तो एसिड में अगर कन्वर्जन करना हो तो प्रेफर करो KCN वाली रिएक्शन, क्योंकि साइनाइड इजिली हाइड्रोलाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं बेटा क्या है, ये मिथेनॉल टू इथेन अमाइन। अमाइन में जब कन्वर्जन हो रहा हो तो सबसे पहले क्या यूज करो तुम, KCN वाली रिएक्शन यूज करो ना, साइनाइड रिड्यूस होकर के इजिली क्या बना देता है, अमाइन बना देता है, तो वही यूज करो, ठीक है। देखो अब देखो मिथ से एथ बनाना है, और देखो ऑल है, KCN अगर तुम्हें यूज करना है तो ऑल तो नहीं देगी ये रिएक्शन, क्या करोगे, सबसे पहले तुम इसे कन्वर्ट करो हेलाइड में, है ना,
ले सकते हो, PCL5, PCL3, SOCl2 कुछ भी ले सकते हो इसमें। ये हो गया Cl, ठीक है। अब तुम इसे दे दो KCN, Cl हट के क्या आ जाएगा, CN साइनाइड आ जाएगा। ये देखो साइनाइड आ गया, और साइनाइड को बस क्या करो तुम, रिड्यूस कर दो। रिड्यूसिंग एजेंट ये ले सकते हो, और तुम क्या ले सकते हो, मेंडियस रिडक्शन ले सकते हो। ये मैं ऑप्शन इसलिए दे दे रही हूँ क्योंकि अभी रोड मैप में तुम्हें प्रेजेंस में ये रिएक्शन मिल सकती है, तो वहाँ पहचान सको ना। तो देखो साइनाइड के दो कन्वर्जन बता रखे थे, एक में ये रिड्यूस हो करके अमाइन बना देगा और हाइड्रोलाइज होकर के एसिड बनाता है। तो देखो इथेन अमाइन बन गया, सिंपल है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, कौन सा कन्वर्जन है। मीथेन अमाइन टू इथेनोइक एसिड, मेथ से एथ बनाना है और ओइक बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो बेटा ओइक अगर तुम्हें बनाना है, तो ओइक के लिए तुम क्या क्या कन्वर्जन यूज कर सकते हो। अगर तुम एल्कोहल लेते हो ना, तो इसको तुम KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम साइनाइड वाला मेथड यूज करते हो CN, तो इसको तुम हाइड्रोलाइज करते हो तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एल्कोहल से भी तुम बना सकते हो और साइनाइड से भी बना सकते हो। तो देखते हैं कौन सा मेथड, पहले तो साइनाइड ही प्रेफर करो क्योंकि इसमें इजीली बनेगा ये। चलो साइनाइड वाला मेथड लेना है तुम्हें, तो पहले देखो अमाइन से तो KCN की रिएक्शन नहीं होती है, तो अमाइन को पहले कन्वर्ट करना होगा। ये देखो अमाइन को तुम पहले एल्कोहल में कन्वर्ट करो, क्या दे करके करोगे, HNO2। HNO2 देते हो तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH ऑल बन गया। ऑल को तुम PCl3 दे दो, PCl5, SOCl2 कुछ भी दे दो, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया हेलाइड में। अब हेलाइड को तुम KCN से रिएक्ट करा सकते हो, है ना, करा सकते हो ना, क्योंकि Cl को ही CN सब्सिट्यूट करेगा। तो देखो Cl की जगह क्या आ जाएगा, साइनाइड। और साइनाइड का कन्वर्जन बेटा बताया हमने, दो कन्वर्जन बताए हैं, अभी हमें क्या बनाना है, एसिड बनाना है, तो इसको हाइड्रोलाइज कर लो और सीधा ये कार्बन बन जाएगा क्या, एसिड ऑक्सीडाइज हाइड्रोलाइज होकर के, ठीक है। तो एक मेथड तो तुम्हारा ये हो गया। अब अगर ट्राई करें किससे, अगर तुम एल्कोहल से बनाना चाहो, तो हमें एल्कोहल तक पहुंचना होगा कार्बन की चेन इंक्रीज करते हुए। तो कार्बन की चेन यहाँ पर KCN पे इंक्रीज हो गई। अब इसको तुम एक और मेथड यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसे तुम SNHCl दो, रिड्यूस करो इसे, CH3, CH2, NH2 हो गया, और NH2 को तुम नाइट्रस एसिड दे दो, HNO2, HNO2 दिया तो ये बन गया CH3, CH2OH। बस अब तुम इसे दे सकते हो KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला कार्बन देखो ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3COOH, है ना। ये थोड़ा लंबा मेथड होगा, बट तुम अगर तुम्हें ये रिएक्शन नहीं याद आ रही है तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो मेथड थे, तो दोनों मेथड में हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने KCN यूज किया, ठीक है। वुड्स भी तुम वुड्स भी यूज कर सकते हो। चलो एक और मेथड देखते हैं बेटा, ये डिफरेंट मेथड्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रोड मैप में तुम्हें मिल सकती है रिएक्शन किसी भी फॉर्म में। वुड्स रिएक्शन यूज करना है हमें, तो मीथेन अमाइन से स्टार्ट करते हैं। मीथेन अमाइन से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, पहले अमाइन को तुम एल्कोहल बना लो सबसे पहला काम, क्योंकि अमाइन से तुम हेलाइड नहीं बना सकते हो ना, इसलिए पहले क्या बनाओगे, एल्कोहल बना लो। एल्कोहल बन गया, अब एल्कोहल को तुम हेलाइड बना लो, एल्कोहल से हेलाइड बनाने के लिए क्या लेना है तुम्हें, क्लोरीनेशन कर लो, और क्लोरीनेशन से ये हो गया बेटा क्या, हेलाइड। अब तुम इसे वुड्स रिएक्शन यूज करना चाहते हो, इसमें सोडियम ड्राई ईथर दे दो और तुम बना लो इसे इथेन। इथेन बन गया, कार्बन की चेन इंक्रीज हो गई है। अब हमें एसिड बनाना है, तो इथेन से तो एसिड नहीं बनेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी लोअर एल्केन जो है
ऑक्सीडाइज KNO4 K2CR2O7 से ऑक्सीडाइज नहीं होता और एसिड में तो कन्वर्ट ही नहीं होता है। हायर एल्केन जो होते हैं वही एसिड में कन्वर्ट होते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन नहीं हो सकते, इसलिए तुम डायरेक्ट इससे एसिड नहीं बना सकते हो। इसका क्लोरीनेशन करके क्लोरो बना लिया, क्लोरो हटा करके KOH ले करके आओ, क्यों कैसे बदलाओगे ये देखो एक्वस लेना KOH, अगर तुमने एल्कोहलिक ले लिया तो एल्कीन बन जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया OH, बस अब एक काम और करना है तुम्हें, KMnO4 दे दो। देखो एल्कोहल जो है वो दो तरह से ऑक्सीडाइज होगा, अगर Cu300 देते हो तो माइल्ड है, वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर एल्डिहाइड बनाता, ठीक है। KMnO4 लेते हो तो स्ट्रांग है, सीधे एसिड में ये ऑक्सीडाइज करता है, तो लो बन गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ये लो, ठीक है। तो ये हमने बुड्स रिएक्शन यूज करके बनाया है, और इससे पहले हमने क्या यूज किया था, KCN, ठीक है। KCN का एक ये प्रोसेस था और एक ये प्रोसेस था, तो मीथेन अमाइन टू इथेनोइक एसिड देख लो, नोट कर लो, साथ में प्रैक्टिस करते चलो, फिर ये सारे कन्वर्जन जो है वो एक जगह नोट करके खुद से ट्राई करना, जब ये सीख जाओगे ना तो फिर ऑर्गेनिक के रिएक्शन में मजा आने लगेगा तुम्हें, अपने आप बनाते जाओगे। इथेनॉल टू प्रोपेनॉल बनाना है, ऑल टू ऑल बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, तो मेरी राय ये है कि KCN वाली रिएक्शन तुम यूज करो, क्योंकि अदर किसी मेथड में तुम्हें पहले तुम्हें ऑल जो है वो सेकेंड कार्बन पे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर KCN अगर तुम्हें यूज करना है तो OH KCN की रिएक्शन देता नहीं है, तो इसको पहले तुम चेंज करो किसमें, हेलाइड में PCl5 लिया और इसको चेंज कर लिया किस में, हेलाइड में। अब तुम इसे दे दो KCN, KCN दिया, Cl हटा करके क्या लगा दोगे, जल्दी बताओ क्या लगाओगे, CN साइनाइड। अब साइनाइड को क्या कर दो, SNHCl दे दो, रिड्यूस कर दो। देखो साइनाइड से एक कार्बन इंक्रीज हो चुका है, प्रॉप बन चुका है ये, ठीक है। साइनाइड के दो कन्वर्जन बताए थे हमने, कौन कौन से, साइनाइड को रिड्यूस करते हो तो अमाइन बनेगा, और देखो अब तुम्हें NH2 तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ऑल चाहिए, तो इसका भी एक सिंपल रिएक्शन है HNO2, है ना, कई जगह यूज कर लिया है, बस प्राइमरी अमाइन है, नाइट्रस एसिड है, एल्कोहल बन गया CH3 CH2 CH2 OH, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेनॉल, प्रोपेन ऑल फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, अब बस क्या करना है तुम्हें, सेकेंड पोजिशन पे ऑल चाहिए, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे ऑल चाहिए तो तुम KCN नहीं यूज करना, क्योंकि KCN अगर यूज करते हो तो साइनाइड को रिड्यूस करके अमाइन बनाओगे, और अमाइन से तुम्हें क्या मिल जाएगा, अमाइन से फिर तुम्हें प्राइमरी अमाइन से प्राइमरी एल्कोहल ही मिलेगा, हमें चाहिए यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट ट्राई करो, है ना, बाकी मेथड से भी बनेगा, बट देखो अब यहाँ पर हमें अगर यूज करना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्कोहल तो नहीं देता है, कौन से कंपाउंड देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, तो इसे कन्वर्ट कर लो प्राइमरी एल्कोहल, तो एल्डिहाइड में ही ये कन्वर्ट हो सकता है Cu300। अब तो ये रिएक्शन याद हो गई होगी ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी एल्कोहल को ये कन्वर्ट कर देगा किस में, एल्डिहाइड में, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तो कीटोन बन जाता, बस अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करो, है ना, एक कार्बन बढ़ाना है तुम्हें, तो एक कार्बन का ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना और वाटर ले लो, ठीक है। बस अब कहानी तो तुम्हें पता ही है ना, कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का सी जो है इस सी के पास आ जाएगा, और वाटर का H+ आयन जो है वो इस O के पास आ जाएगा, है ना, O के पास नेगेटिव, तो H+ एंड O के पास। तो देखो 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 रिएक्शन क्या बन रही है, CH3 ये है CH, और इस CH के पास CH3 आ गया और O के पास आ गया H, और बन गया प्रोडक्ट तुम्हारा, है ना, बहुत सिंपली बन गया ये, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब जब
क्लास में प्रैक्टिस होती है बेटा, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम हम लोग को कैसे याद रहेंगी इतनी सारी रिएक्शंस, तो कुछ भी याद ही नहीं करना है। तो मैं अब देखो जितने कन्वर्जन्स कर रहे हो उसमें वन स्टेप टू स्टेप कितनी बार रिपीट हुआ है ना, हेलाइड का कन्वर्जन कितनी बार यूज किया, एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तुम्हें Cu-300 कितनी बार यूज कर लिया, प्राइमरी अमाइन से एल्कोहल बना रहे हो नाइट्रस एसिड तुमने कितनी बार यूज कर लिया। तो कोई भी रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करनी है। अभी जब तुमने 8-10 रिएक्शन प्रैक्टिस कर ली, जैसे ही तुमने प्रैक्टिस की वैसे ही ये सारी रिएक्शन यूं बहुत इजीली सॉल्व होती चली जाती है ना, तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, बस प्रैक्टिस करना है तुम्हें साथ में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, प्रोपेन टू ऑल, टू पे ऑल है, और देखो वर्ड रूट तो प्रोपेन का ही है, ठीक है, और ऑल भी टू पे है, बस एक मिथाइल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एक अल्काइल ग्रुप अगर ऐड हो रहा है तो एक अल्काइल ग्रुप रिग्नार्डीजिन से तो ऐड हो ही सकता है ना। तो देखो बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, ये देखो यहां तक का प्रोडक्ट सेम है, बस ये मिथाइल सेकेंड कार्बन पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई करो ग्रिगनार्ड रिएजेंट को, पहले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट तुम्हें यूज करना है, तो प्रोपेन टू ऑल ये है, और तुम्हें अभी ये पता चल गया ना कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो पहले तुम इसे कन्वर्ट कर लो, सेकेंडरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड तो नहीं बनाएगा ना, क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कीटोन। देखो कीटोन बन गया, अब बस इसको क्या देना है तुम्हें, CH3MgBr दे दो और इसे दे दो वाटर। अब आगे की कहानी तुम्हें पता है ना, देखो CH3 को कार्बन को दे देना और H+ ION O को दे देना, बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट CH3। यहाँ CH को ग्रिगनार्ड रीजन का CH3 दिया और O को वाटर का H दे दिया, देखो नेमिंग देखो इसकी, 1 2 3, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट, बस दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, इथेनॉल टू प्रोपेन अमाइन, इथेनॉल टू प्रोपेन अमाइन। अब अमाइन बना रहे हो तो केसीएन वाली रिएक्शन यूज कर लो, है ना, 2 कार्बन है और 1 कार्बन बढ़ाना है तुम्हें, तो बस सिंपल है, देखो सिंपल रिएक्शन। अब तुम्हें ये भी कहानी पता चली गई है कि जब तुम्हें केसीएन से रिएक्ट कराना है तो वो एल्कोहल से तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो क्या करना होगा तुम्हें, एल्काइल हेलाइड में चेंज करो इसे, इतनी सारी एल्डिहाइड कीटोन सारी रिएक्शन हो गई है, तो वो बार बार जो है ना, पहले क्या करना है तुम्हें, हेलाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हेलाइड में कन्वर्ट करते हो तो CH3CH2 और Cl, अब इसे दे दो KCN, है ना, तो Cl हटा के क्या लगाओगे, Cl हटा के CN लगा दो और CN को रिड्यूस कर दो SnHCl से, तो देखो मिल गया या नहीं मिला अभी तुम्हारा प्रोडक्ट, देखो NH2, 1 2 3, प्रोपेन अमाइन, ठीक है, यही बेस्ट मेथड होगा प्रोपेन अमाइन बनाने का, KCN यूज करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल टू 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब देखो ब्यूट, 2 कार्बन एक साथ बढ़ रहा है बेटा, देखो एच से ब्यूट, अगर ऐसा होता है कि 2 कार्बन इंक्रीज होता हुआ दिखे, है ना, तो उस मतलब जस्ट डबल हो रहा हो, 1 कार्बन इंक्रीज नहीं हो, जस्ट डबल हो रहा हो, तो उस कंडीशन में तुम एल्डोल एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो एल्डोल से ही डबल हो रही होती है रिएक्शन रिएजेंट, ठीक है। तो देखो ट्राई करते हैं इथेनॉल, अब एल्डोल ने बता दिया कि एल्डोल एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, लेकिन अभी हमारे पास रिएजेंट क्या है, एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल में तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो पहले इसे हम चेंज करेंगे किसमें, एल्डिहाइड में, तो एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होने के लिए किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइज होता है Cu-300 से, तो बस इसको तुम चेंज कर लो एल्डिहाइड में। अब
साइड में चेक कर लेते हैं कि क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लेकर के, पहले चेक कर लो है ना। देखो अगर एल्डोल तुम्हें देना है तो एल्डोल में क्या होता था, ये रफ वर्क होना चाहिए, सामने नहीं दिखाना है तुम्हें कॉपी पे, सामने डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। ये देखो टू सिमिलर एल्डिहाइड लेते थे, देखो याद करो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे अल्फा कार्बन ब्रेक करोगे नेगेटिव पॉजिटिव, एच प्लस आयन कहाँ जाएगा, ओ के पास और ये सी के पास। तो देखो कार्बन काउंट करो तुम, पहले सी एच थ्री हो गया ठीक है, और ये सी एच और ओ एच हो जाएगा, सी एच और ओ एच हो गया, और देखो ये सी एच टू हुआ, सी एच टू और ये सी एच ओ। तो देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, फोर कार्बन की चेन हो गई, ब्यूटेनल हो गया, और 1 2 3 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ये बन गया, तो मतलब तुम एल्डोल यूज कर सकते हो। तो बेटा ये काम जो है ना ये रफ में करना है ना, और जब डबल हो रही हो रिएजेंट, जब डबल हो रहे हो तो वहां पे ट्राई करना क्या एल्डोल, एक बार चेक कर लेना एल्डोल ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो अभी हमने क्या बताया कि कन्वर्जन में तुम्हें कहीं भी कोई बैलेंसिंग नहीं दिखाना है, ये अंडरस्टूड होगा कि तुमने यहाँ पे एल्डिहाइड रखा, यहाँ पे कोई 2 3 कुछ नहीं दिखाना है, यहाँ पर भी तुम्हें कुछ नहीं, बस NaOH डाइल्यूट लिखो, और यहाँ पर मेंशन जरूर कर देना क्या एल्डोल कंडेंसेशन, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे ना, जब तुम जो नेम रिएक्शन यूज कर रहे हो उसको तुम मेंशन कर देते हो तो एग्जामिनर को ये क्लियर होता है कि तुमने, तुम्हें ये रिएक्शन पता है, तुमने समझ करके बनाया है, रटा हुआ कुछ नहीं है ठीक है, रट भी नहीं सकते हो रिएक्शंस को। तो बेटा बन जाएगा सीधे प्रोडक्ट, रफ पे पहले बना लेना तुम, रफ वर्क कर लेना, और फिर यहाँ पे तुम्हें सीधे फाइनल प्रोडक्ट देना है ठीक है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं इसमें कन्वर्जन में, नेमिंग तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से है ना, नेमिंग का रिएक्शन जब कर रहे होते ना, चैप्टर जब पढ़ रहे होते हो तो वहां पे टीचर्स अगर बोलते हैं तुम्हें कि बेटा नेमिंग करते चलो, मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नेम लिखते चलो, तो इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत होती है। तुम्हें रिएक्शन तो समझ में आ रही होती है ना, रिएक्शन तो तुम देख रहे होते, प्रिपरेशन है ये, प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्ट बनता हुआ सब कुछ देखता है, लेकिन अगर तुमने नेमिंग नहीं की हुई है तो कन्वर्जन में तुम्हें बेटा नेम से ही पूछते हैं। तो जब तुम रिएक्शन करो कभी भी, किसी भी टाइप की रिएक्शन करो, चाहे नेम रिएक्शन करो, कन्वर्जन प्रैक्टिस करो, कभी भी करो, मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखते चलो, नेमिंग की प्रैक्टिस होगी तुम्हें मिलेगा ऐसे ही। नहीं तो मेथड्स तुम्हें पता लगा, तुम्हें तो पता है कि किस मेथड से बना सकते हैं, बट तुम वहां सोचोगे कि कोई बता दे कि ये जो बनाना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा तो फिर मैं बना लूंगा, तो इसके लिए वेट नहीं करो, पहले से प्रैक्टिस करते चलो। बहुत सिंपल तरीका होता है, नेम लिखते चलोगे अपने आप याद हो जाएगा। नेमिंग की पूरी सीरीज भी बना रखी है, उसको भी चेक कर सकते हो, नेमिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ठीक है। तो बेस्ट तरीका होता है नेम लिखते चलो, मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का ठीक है। तो बेटा ये कुछ कन्वर्जन्स जो थी, ये हमने कार्बन की चेन को इंक्रीज कैसे करते हो, किस किस मेथड से करते हो, वो कुछ रिएक्शंस कुछ एग्जांपल्स दिए। अब तुम अपनी बुक से या कहीं से भी क्वेश्चंस निकाल करके प्रीवियस ईयर ले लो, प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनके कन्वर्जन्स को एक साथ एक कॉपी पे लिखो और खुद से ट्राई करो। मेथड्स मैंने सारे कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए बता दिए हैं ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कार्बन की चेन को डिक्रीज किस किस मेथड से करते हो, और उसके कुछ कन्वर्जन प्रैक्टिस करेंगे ठीक है। तब तक ये प्रैक्टिस करते रहो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।